नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे हमने बहुत कम तेल में बनाया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस नाश्ते को। और हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें एक छोटी चम्मच हम तेल डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का लाल कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी सूजी और सूजी को 2 मिनट के लिए चला देंगे। और 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी लिया है और इसे डाल दिया है। सूजी में पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप मोटी वाली सूजी लें तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, और बारीक वाली सूजी लें तो इसमें 2 कटोरी पानी आराम से डल जाता है 1 कटोरी सूजी में। या फिर आप इस तरह से देख लें कि ये पक गई है कि नहीं, अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा और डाल सकते हैं आप पानी। और सूजी पक जाने के बाद हम इसे ढक के रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ट्रे ली है और सूजी जो हमने पकाई थी उसे इस ट्रे में हम डाल के फैला देते हैं, और हाथों से अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। आप चाहें तो इसी तरह इस सूजी की टिक्की भी बना सकते हैं, पर मैं कुछ यहाँ पर अलग कर रही हूँ इसलिए मैंने पहले इसे जमा दिया है। अब हमने फिर से एक पैन रखा है, उसमें 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। और जीरा हमारा अच्छे से हो गया है तब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, और बहुत धीमी आंच में हमें हल्दी को डालना है, नहीं तो हल्दी हमारी जल जाएगी। और मैश किए हुए 1 कटोरी आलू डाल देंगे। आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसमें गुलटे ना रहें, अच्छे से हम इसे चला लेंगे। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन 4-5 मसाले डालकर हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे, जैसे सब्जी को भूंजते हैं। हमने इसे भूंज के तैयार कर लिया है, 4 से 5 मिनट बाद ये भूंज गई है। तो इसमें बारीक कटा हुआ हमने हरा धनिया डाला है और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडे हो जाने के बाद हम इसकी गोल गोल टिक्की बना लेंगे, और टिक्की को इस तरह से हम दबा दबा कर बना लेंगे। और सारी टिक्की हमें इस तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है आलू की। और टिक्की हमने बना ली है, तो सूजी हमने फैलाई थी वो थोड़ा सा जम गई है, तो उसे हम गिलास या कटोरी की सहायता से गोल गोल काट लेंगे। और बहुत ही आसानी से ये कट जाएगी और निकल जाएगी, चिपकेगी बिल्कुल नहीं। और देखें बाकी की हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और सारी टिक्की हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। टिक्की हमारी तैयार हो गई है। अब हमने फिर से पैन लिया है और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जीरा या अजवाइन डाल सकते हैं, या फिर इन टिक्की को ऐसे भी सेक सकते हैं। और जो टिक्की हमने सूजी की काटी थी उन्हें हम सेक लेंगे, और आलू की टिक्की को भी थोड़ा सेक लेंगे। वैसे तो हमारे सारे मसाले भुंजे हुए हैं, पर सेकने से और भी बढ़िया इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब बस हमने इसे पलटकर सेक लेना है। और सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर जल्दी से तैयार हो जाएगा।
और रेसिपी पसंद आने पर लाइक करें हमारे चैनल को। और देखें ये अच्छे से सिक गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और दोनों टिक्की हमने सेक के तैयार कर ली हैं। तो आप चाहें तो इस पे लाल चटनी या हरी चटनी भी लगा सकते हैं और इस तरह से सैंडविच के जैसे हम इसे बनाकर तैयार करते हैं। और देखें बहुत ही बढ़िया दिखने वाला चटपटा टेस्टी नाश्ता सूजी से बनकर तैयार है।